गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू टाइम यू कैन एडजस्ट देखिए यहाँ पर आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला नंबर ये एम सेमेस्टर फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है और आज फोर्टीन तारीख है और कल फिफ्टीन है कल पेपर है तो आज मैं बैठा हूँ इसको तो वही हाल है ना लास्ट नाइट फुल फाइट के साथ में इसको एक बार जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज एस से इस तरह से थर्टी क्वेश्चन है तो इस हिसाब से मानकर जैसे यहाँ पर एक तो सेक्शन ए है जहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है सेक्शन बी में क्या है एक्सप्लेन है और सॉल्ट आंसर है जैसे सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट सेक्शन बी में एक्सप्लेनेशन सेक्शन सी में जो है थोड़ा सा सॉल्ट और सेक्शन डी में जो है लॉन्ग आंसर तो अभी तीस में से हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि तीस में से कुछ नहीं एकदम कम से कम में देखें तो दो तो मिल ही जाएगा वैसे अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस बार पेपर का तो पैटर्न किसी को इवन मैम को भी नहीं पता है तो तीस में से एक दो फंस ही जाएगा तो चलो व्हाट इज एस इसको शुरू करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं ये देखिए सेक्शन ए वेरी शार्ट आंसर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन व्हाट इज एस यानी कि एस क्या होता है एंड एस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन बेस्ड ऑन सिंगल सब्जेक्ट मैटर देखिए मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है ये पहला नंबर कोई लिटरेरी कंपोजिशन होता है जैसे एक तरह से लिटरेरी कंपोजिशन मीन्स रिटन रिकॉर्ड होता है वो भी शॉर्ट short, शॉर्टली होता है होता है बेस्ड ऑन सिंगल सब्जेक्ट मैटर जो कि पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट मैटर पर बेस्ड होता है यूजुअली इन प्रोज इसका जो अगर जनरा तो क्या होता है प्रोज होता है मीन्स पोइटिक पोयम के फॉर्म में नहीं बल्कि प्रोज के फॉर्म में लिखा जाता है जनरली एनालिस्टिक स्पेकुलेटिव और इंटरप्रिटेटिव ये तीन टाइप का होता है एनालिस्टिक इस्पेकुलेटि इंटरप्रिटेटिव जैसे आप मान लो ये चीज नहीं क्लियर है तो मेन फोकस इस पर यू ये प्रोज में लिखा जाता है सिंगल सब्जेक्ट मैटर में होता है और ये जो है एक शॉर्ट पीस ऑफ लिटरेरी कंपोजिशन होता है और ये करता क्या है मतलब इसका टारगेट क्या रहता है एक तरह से एम क्या होता है एंड ऑफ एन गिव्स पर्सनल ओपिनियन ऑफ एन ऑथर और ये किसी ऑथर राइटर का एक पर्सनल ओपिनियन दे जैसे अभी ये किताब है सीरीज को लेकर तो सीरीज को लेकर दस लोगों का दस ओपिनियन होगा कोई कहेगा अच्छा है कोई कहेगा बेकार है कोई कहेगा शॉर्ट टाइम के लिए अच्छा है है ना जैसे कई लोग का समथिंग इज बेटर देन नथिंग तो जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं तो अब यहाँ सेकंड पहला क्वेश्चन क्लियर है सेकंड है व्हाट इज अ पर्सनल एस एम नाम से ही क्लियर है वैसे देखा जाए पर्सनल जो कि पर्सनली एक रिलेटेड टू इंडिविजुअल को रहता है ट्रू एस अकॉर्डिंग टू हडसन अब यहाँ पर हडसन है ये एसट हैं तो हडसन के अकॉर्डिंग इसेंशली पर्सनल माउंट इसेंशली पर्सनल ये कह रहे हैं जो ट्रू एस से होता है वो एक्चुअली पर्सनल ही होता है मतलब एक जो साहब वास्तव में एसे होता है एक पार्टिकुलर आ, आथर का ओपिनियन होता है तो पर्सनली उसका पर्सनल ओपिनियन है लेकिन यहाँ पर माउंट क्या कहते हैं माउंट ये अनदर जो है सेस्ट है माउंट टैगनी सेज आई एम माई सेल्फ द सब्जेक्ट ऑफ माई बुक ये करें ऐसे के केस में मैं अपनी बुक का सब्जेक्ट मैं खुद हूँ मतलब जो भी मैं लिखता हूँ अपने अनुसार लिखता हूँ इसमें आई एम पर्सनल ऐसे मैं पर्सनल एस ऐसे हूँ द ऑथर गिव्स हिज ऑन एक्सपीरियंस अब देखिए पर्सनल ऐसे में ऑथर जो है अपना खुद का एक्सपीरियंस देते हैं खुद का इम्प्रेशन देते हैं या खुद का रिएक्शन होता है अबाउट द सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट पर लिखना होता है टेकन अप फॉर राइटिंग हिज एस और जो भी वो अपने एस में राइटिंग के लिए जो कुछ भी ले रहते हैं उस पर मतलब मेन फोकस अगर जैसे कुछ नहीं करना है तो पर्सनल एस क्या है सिंपल सा पर्सनल ऐसे गिफ्ट्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन इम्प्रेशंस रिएक्शंस मतलब जहाँ पर ऑन खुद का एक्सपीरियंस इंप्रेशन रिएक्शंस होता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पर होता है ये पर्सनल है नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ शॉर्ट नोट ऑन बैकन्स एफोरिस्टिक स्टाइल देखिए ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ये है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंटरनल एग्जाम में भी मैम ने क्वेश्चन दिया था ये चीज़ आपका कि बैकन की स्टाइल्स पर जो है डिस्क्राइब uh, करो तो उस पर्पज से तो बैकन की एक तो क्वेश्चन यहीं से मिल गया बैकन की स्टाइल है एफोरिस्टिक स्टाइल वै, वैसे वैसे फ्रांसिस बैकन जो है पहले पेपर में सबसे पहले ऑथर हैं फ्रांसिस बैकन को फादर ऑफ इंग्लिश एस से माना जाता है इन्होंने तीन स्टाइल का यूज़ किया एफोरिस्टिक स्टाइल प्रोवर्बियल स्टाइल और पोइटिक स्टाइल तो यहाँ एफोरिस्टिक स्टाइल की बात है क्या है ये बैकन्स स्टाइल इज हाइली यूनाइटेड विद सीरियसनेस इनकी जो स्टाइल होती है जो लिखने का तरीका है वो सीरियसनेस के साथ में एक हाईली यूनाइटेड है दिस इज द रीजन डैट ही बिकम्स एफोरिस्टिक और इस रीजन से ये खुद एक एफोरिस्टिक टाइप के पर्सन बन जाते हैं ही वॉज फुल और एफोरिस्टिक पर्सन वो होते हैं जो कि फुल ऑफ ग्रेविटी हो मतलब थोड़ा सा ऐसे मैच्योर टाइप के दादा टाइप के लगते हो अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें करते हूँ इन हिज स्पीकिंग मतलब अपनी बात में उनकी बातों से ऐसा लगता है कि हाँ ये बंदा जो है एक प्रैक्टिकल नॉलेज का खजाना है नो मैन एवर स्पोक मोर नीटली एंड मोर वेटली और इन वट ही अटर्ड मतलब ऐसा पर्सन जब वो बोलते हैं तो उसके सामने कोई बोलने की जरूरत ना कर सके मतलब एक तरह से होता है ना कुछ लोग होते हैं उनकी बातों को काट नहीं सकते क्लियर कट रहते हैं हिज हेयरर्स कुड नॉट कप और लुक और उनकी बातों को सुनते हुए उनके जो सुनने वाले हैं उनको खांसी ना आए या जो और कहीं ना देखें मतलब इसी तरह से एक तरह से खो जाए इसमें तो होती है एफोरिस्टिक स्टाइल तीन क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट है व्हाट इज जिस्ट ऑफ द एसे ऑफ एम्बिशन अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ऑफ एम्बिशन नाम का पूरा एक चैप्टर ही है फर्स्ट पेपर में तो पहले यही बन जाता है कि ऑफ़ एंबिशन क्या है तो ऑफ़ एम्बिशन एक प्रकार का ऐसे है और ऑफ एम्बिशन को किसने लिखा तो फ्रांसिस बैकन साहब ने लिखा ऑफ एंबिशन में बताया क्या गया है तो एंबिशन के बारे में बताया गया एंबिशन मीन्स जैसे कुछ लोग होते हैं होते हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं जैसे इंटरव्यू में भी लोग बताते हैं माई एम्बिशन इज टू बिकम अ ग्रेट पर्सन एंड ऑनरेबल पर्सन तो एम्बिशन मीन्स एक तरह से महत्वाकांक्षा आप कुछ बड़ा करने की इच्छा तो यहाँ जिस्ट का मतलब होता है एक तरह से समरी सार कंक्लूजन निष्कर्ष तो वही जिस्ट वैसे मैंने लिख दिया जिस्ट मीन्स सार अब वो सार नहीं रिलेशन वाला <laughs> यहाँ जिस्ट का मतलब होगा एक कंक्लूजन तो ऑफ एम्बिशन का कंक्लूजन क्या है तो एम्बिशन मेक्स मैन में फुल ऑफ एक्टिविटी एंड डिलीजेंस ये करें एम्बिशन जो होता है एक इंसान को बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस uh, बना देता और डिलीजेंस बना देता बहुत ज़्यादा मेहनती बना देता इफ इट इज़ नॉट चेकड अगर इसको चेक नहीं किया गया तो बट वैन वंस इट इज चेकड इट मेक्स मैन एन एंड मेलिगनेंट मैलिगनेंट लेकिन जब इसको एक बार चेक कर दिया जाता है तो ये इंसान को बना देता है बहुत ज़्यादा उग्र बना दे बना देता है एक ईर्ष्यालु मतलब जैसे एम्बिशन पर्सन है अगर उसकी कोई एम्बिशन नहीं पूरी हो रही तो इंसान बहुत ज़्यादा भड़कालू बन जाता है उग्र बन जाता है एक जेलसी हो जाता है मतलब ये चाहेगा कि कोई हमसे आगे ना जाए सो लॉन्ग एज एम्बीसीस मैन कॉन्टीन्यू टू गेट अपॉर्चुनिटी और जितने लंबे समय से ये एम्बीसीस मैन अपने ओ, अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए कंटिन्यू जो प्रयास करते रहते हैं ऑफ प्रोग्रेस ताकि वो प्रोग्रेस कर सकें दे मे बी लिटिल ट्रबल सम ये थोड़ा सा परेशानी भी क्रिएट कर सकते हैं बट दे आर नॉट डेंजरस लेकिन ये डेंजरस नहीं होते हैं। एक तरह से देखा जाए हर पर्सन एम्बिशन होता है कोई हर फील्ड में हर कोई अपने आप को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को ऑप्टेन करने के लिए लगा है बस अलग है कि सबका फील्ड अलग है कोई टीचिंग के फील्ड में कोई गेम के फील्ड में कोई बिजनेस के फील्ड में सबका अलग अलग है तो ऑफ है क्लियर नेक्स्ट है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द एस ऑफ रिवेंज अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए शॉर्ट एक तरह शॉर्ट आंसर से मतलब कहीं ना कहीं पूरा मतलब पूरे बुक का चैप्टर फर्स्ट पेपर का कंक्लूजन हो जाएगा क्यों ऑफ एम्बिशन अब ये दूसरा चैप्टर है ऑफ एम्बिशन और ऑफ एम्बिशन को लिखा था ये फ्रांसिस बैकन साहब ऑफ सॉरी सॉरी क्या कह रहे हैं ऑफ़ रिवेंज को लिखा था फ्रांसिस बैकन ने और ऑफ रिवेंज में रिवेंज के बारे में बताएं अब फ्रांसिस बड़ा सातिर दिमाग इनका था यह बताए इन्होंने रिवेंज के बारे में बताया थोड़ा सा ऐसे बताया कि रिवेंज वहाँ पर लो जिसके लिए कोई कानून ना बना हो मतलब जैसे मान लो तुमको कोनो एक कंटाप मार दिया तो अब वहाँ पर ये मत सोचो नहीं कानून बदला लेगा कानून बदला नहीं लेगा वहाँ उसके लिए कोई कानून नहीं बना है बहुत खास अगर कोई बना हो तो वहाँ पर ऐसा मत करो क्योंकि अगर आप मान लो पलट कर आप भी मार दे तो कानून भी तो आपका दो दो दुश्मन हो गया एक तो आप कानून के खिलाफ हो जाओगे वो पर्सन तो है तो यहाँ देखिए इसमें सेंट्रल थीम क्या है तो सेंट्रल थीम मैंने बता ही दिया एक तरह से सेंट्रल थीम मतलब मेन आइडिया क्या है तो देखिए इन ऑफ रिवेंज बाय के द्वारा लिखा गया ये जो एस ऑफ रिवेंज है द थीम ऑफ मोरल गो यहां पर यह बताया गया है कि मोरलिटी की थीम को दिखाया गया है कंट्रोल एक्सेप्टेंस एंड सेल्फिशनेस यहां पर यह बताया गया है कि जो भी आपने गलती किया अगर किसी ने गलती किया है तो उसको पहले तो कंट्रोल करो एक्सेप्टेंस और सेल्फिशनेस को कंट्रोल करो बैकन आइडेंटिफाइज और आगे बैकन ये आइडेंटिफाई करते हैं डेट इन टेकिंग रिवेंज कि बदला लेने में या बदला लेने के वास्ते या बदला लेने का ख्याल जो मनुष्य में रहता है अ मैन इज बट इवन विद हिज ऑन एनिमी एक बदला लेने का ख्याल जो है एक इंसान को एक इंसान को अंदर ही अंदर खोखला करते चला जाता है और एक तरह से वो खुद का दुश्मन बन जाता है बट इम्पॉर्टेंट इशू इज डेड टू एक्सेप्ट द गुड एंड द बैड बल्कि बदला में ये देखो कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है जैसे एक बैकन के अनुसार अगर यहाँ से मैं अपने शब्दों में कहूँ तो एक ये कहा जाता है कि हाँ जैसे अगर आपका मान लीजिए कोई पर्सन दुश्मन हो गया तो सबसे अच्छा है एक तो आप बदला लो है ना अगर उसके लिए तो बदला लेने में वो भी लेगा तो आप भी उसके जैसा बन गए और दूसरा इग्नोर कर दो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दो खुद ही समझ में आ जाएगा तो ये पांच क्वेश्चन है क्लियर है इतना अब यहाँ अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ग्रेट प्लेस अकॉर्डिंग टू बैकन अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है बैकन ने एक एसे लिखा है ई से रिलेटेड है उसका नाम है ऑफ ग्रेट प्लेस तो बैकन ने तीन ऐसे लिखा है ऑफ एम्बिसन जिसमें एम्बिसन के बारे में बताया है और अब कुछ मान लो कुछ नहीं आता तो एम्बिसन के बारे में लिख दो हाँ एम्बिसन मैन ये, ये ये कुछ भी और ऑफ रिवेंज में बदला के बारे में बताया गया है और ऑफ ग्रेट प्लेस में बताया गया है कि ऐसे लोग जो कि बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो वो छोटे लोगों को तुच्छ समझने लगते हैं और जबकि वो अपनी प्रशंसा के लिए अपनी खुशी के लिए छोटे लोगों पर ही निर्भर रहते हैं और बड़े लोग जैसे जब रिटायर हो जाते हैं तब भी वो उसी ओहदे में रहना चाहते हैं जैसे घर में भी थोड़ा बड़क दिखाते हैं दादा जब बनते लड़के सुनते नहीं और ये दिखाना चाह रहे हैं नहीं हम बड़े हैं तो कुछ भी तो वही चीज़ यहाँ पर है अब ये करें ग्रेट प्लेस बैकन के अनुसार क्या है ग्रेट प्लेस मतलब ऑफ ग्रेट प्लेस में इन्होंने ग्रेट प्लेस क्या बताया है? देखिए द एस ऑफ ग्रेट प्लेस ये देखिए एस जिनका नाम है ऑफ ग्रेट प्लेस ये क्या शो करता है सोज द रीडिंग पोजिशन सॉरी सोज द रीडर्स मतलब ये रीडर्स को ये बताता है पोजिशन ऑफ मैन इन ग्रेट प्लेस मतलब ये हो गया सेंट्रल थीम जो बड़े पोजीशन में हैं जो बड़े ओहदे पर हैं ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं उनकी किस तरह से पोजीशन क्या कंडीशन है उनकी जबकि उनको जो है फ्रीडम नहीं जितना छोटे लोगों को फ्रीडम है पोजीशन का मतलब ये जैसे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं उल्टा सीधा एक्टिविटी लेकिन वो लोग कुछ करेंगे तो वो मीडिया पहुँच जाएगी हाँ महाराज क्या कर रहे हो मोदी ने आज कबड्डी खेला तो मतलब एक तरह से वो आठ लग जाएगी कुछ भी करने के पहले सोचते हैं बैकन आर्ग्यूज अबाउट लाइफ यहाँ पर ये बैकन जो है लाइफ को लेकर आर्ग्यू करते हैं बहस करते हैं लाइफ को लेकर मैनर को लेकर ऑब्लिगेशंस ऑफ द लैड्स यहाँ लैड का मतलब होगा पीपल से लिया जाएगा एट हायर पोजिशन जो बड़े ऊंचे ओहदे पर ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं उनकी ऑब्लिगेशंस कुछ ऐसे होती हैं कि वो चाह कर भी नहीं कर सकते हैं जैसे एक तरह से खेल बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी हरकतें नहीं कर सकते हैं तो उनके मैनर उनके लाइफ को ये इस प्ले सॉरी इस एसे के थ्रू आर्ग्यू करते हैं बैकन स्टार्ट द एस ए बाई डी मेरिट्स ऑफ द अपर पोजिशन और ऑफ ग्रेट प्लेस ये जो एस से है बैकन ये बताते हुए शुरू करते हैं कि जो अपर पोजिशन जो ऊँचे उहदे पर लोग बैठे हैं उनकी डी मेरिट्स क्या मतलब ये बुराई से ही शुरू करते हैं कि जो बड़े लोग हैं उनको लगता है हम बहुत बड़े हैं उनको कुछ नहीं है उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई क्योंकि वो जो ऐसे मतलब कुछ भी नॉर्मली बहुत खास वो नहीं कर सकते हैं अब यहाँ ऑब्लिगेशन मतलब दायित्व तो होता है और लाइट्स लैड्समींस होता है लोगों पीपल क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन आते हैं देखिए यहां पर वैसे तीस क्वेश्चन तो कवर करने वाले हैं वीडियो कितनी भी लंबी होगी इससे नहीं मतलब है। लेकिन तीस क्वेश्चन कवर होगा तीस में से अगर थोड़ा सा लॉन्ग में भी आ जाएगा कम से कम मोटा मोटा पता रहे कुछ तो कर ही लेंगे यहां कॉल्स बैकन एज वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ द मैन अब ये देखो बैकन इतने बड़े थे कि इनको वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट ऑफ द मैन काइंड मतलब एक इंसान में वाइजेस्ट पर्सनलिटी ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट पर्सनैलिटी बैकन को कहा जाता है और ये यह, यहाँ पर क्वेश्चन किसने कहा ऐसा तो यहाँ पर अभी घर वाले हम लोग को यहाँ मार्ग भगाते हैं यहाँ पर तो इनको ये कह दिया गया वो भी बाहर के लोगों ने तो यहाँ से बहुत बड़े पर्सनैलिटी थी अलेक्जेंडर पोप ने कहा ये देखिए अलेक्जेंडर पोप ने अलेगजेंडर पोप कॉल्स बैकन एज वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ द मैन काइंड अब अलेक्जेंडर पोप बैकन को क्या कहते हैं ये बहुत ज़्यादा वाइजेस्ट बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ब्राइटेस्ट और एक बहुत ज़्यादा जैसे प्रतिभाशाली एंड मीनेस्ट ऑफ द मैन काइंड और मैन काइंड में बहुत ज़्यादा मीनेस्ट मतलब एक अच्छे इंसान है टाइप के इज राइटली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश एस ये देखो क्या क्या कहा जाता है भैया बहुत काम किए थे तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश एस भी कहा जाता है एंड आल्सो एज द मॉडर्न इंग्लिश प्रोज और फादर फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है क्योंकि इससे जो अप्रोज का ही फॉर्म है तो इनको देखो कितना कितना तीन नाम मिला इनका आगे इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए कहा जाता है इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट ऐसा इस फैक्ट की वजह से ड्यूरिंग द एलिजाबेदन एज अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि फ्रांसिस बैकन किस एज से बिलोंग करते थे तो फ्रांसिस बेकन जो है एलिजाबेदन एज से बिलोंग करते हैं और एलिजाबेदन एज से शेक्सपियर साहब भी बिलोंग शेक्सपियर भी बिलोंग करते हैं इट वॉज ही ये वही थे मतलब ये बैकन साहबी थे हु कल्टिवेटेड द इंग्लिश एस ए विद ग्रेट केयर एंड आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द टर्म एस ए इन इंग्लैंड मतलब ये पहले इंसान थे जिन्होंने एस ए को एक ब्रॉडली लेवल से लाया एक लिटरेचर के फील्ड में और ये टर्म एस ए डबल एस ए वाई इसको जो है दिया जैसे अब कंपटीशन में यही सब क्वेश्चन आ जाता है टर्म एस एज गि बाई चार ऑप्शन दे देंगे तो फ्रांसिस बैकन इसलिए तो इनको फादर ऑफ इंग्लिश एस ए कहा जाता है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर एट क्या है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टेक्निक ऑफ करेक्टराइजेशन इन द प्रोलॉग ये कह रहे हैं प्रोलॉग में करेक्टराइजेशन के टेक्निक पर शॉर्ट नोट लिखो अब ये प्रोलॉग क्या है ये देखो शॉर्ट में दे दिए अब देखो यहां पर जैसे पहला अगर पहले पेपर में बात करें तो पहले राइटर है फ्रांसिस तीन ऐसे लिखा है ऑफ 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 रिवेंज रिवेंज ग्रेट प्लेस और आप, ओ, क्या रिवेंज, ये तीन लिखा है अब दूसरे राइटर हैं ये जॉफरी चौसर कहा गए ये तो जॉफरी चौसर ने लिखा है द प्रोलॉग टू द दी टेल्स वही है चौसर आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस पर्सन इन द प्रोलॉग अ कंसनट्रेटेड ब्रिलियंस अब देखो जॉफरी चौसर को हल्के मत लो क्यों क्योंकि जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है फादर ऑफ हीरोइक कपलेट बोला जाता है सबसे पहले जैसे इंग्लैंड की हिस्ट्री में इंग्लिश में ये चीज़ें नहीं लिखी जाती थी सब लैटिन में या तो ग्रीस में लेकिन जॉफरी चौसर ने इन सबको इंग्लिश में लिखना शुरू किया और इनका जो मास्टर वर्क हम लोग के सिलेबस में है और उसका नाम है क्या है द कैंटरबरी टेल्स और द दो जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स वही कह रहे हैं कैंटरबरी टेल्स में कौन सी करेक्टराइजेशन की कौन सी टेक्निक अपनाई है इन्होंने उस पर नोट लिखी तो देखिए टेक्निक क्या है चौसर डिस्क्राइब्स अ मैन चौसर अब देखिए कंटरबरी टेल्स में चौसर एक इंसान को इस तरह से बताते हैं एज इफ मानो कि जैसे कि हिज आइज वर वंडरिंग ओवर ही जैसे कि वो सारे लोग उनके सामने हो नोटिसिंग आ ब्राइट डिटेल और वो पूरा ऐसे देख देख कर लिख रहे हैं हेयर एंड देयर मतलब ऐसे सारी उनके अंदर की खूबी जैसे कि कोई सामने उनके सामने खड़ा हो और उनको देख देख कर वो पूरा खूबी लिख रहे हैं एकदम मतलब रियल में ऐसा लगता है कि हाँ सच में ऐसा विच ही रिकॉर्ड्स इन एन ऑलमोस्ट हैजर्ड मैनर और जिनको एक बहुत ज़्यादा मतलब हैपजर्ड मैनर का मतलब एक तरह से तूफानी तरीके से लगभग बहुत अच्छे तरीके से उसको वो रिकॉर्ड करते हैं लिखे हैं दीज सीम्स नथिंग इन द वर्ल्ड बट दिस वेरी इंप्रेशन ऑफ कैजुअलनेस दिस इकोनॉमी सिग्निफिकेंस एंड वेराइटी ऑफ डिटेल क्लियरली टेल ऑफ डेट सुप्रीम आर्ट विच कंसील्स आर्ट देर इज नो फिक्सड पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अब यहाँ देखो ये बड़ा चालाक है थे देर इज नो फिक्सड पैटर्न ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टराइजेशन करेक्टर का इन्होंने डिस्क्रिप्शन देने के लिए कोई पैटर्न का यूज नहीं किए क्योंकि अगर कोई पैटर्न का यूज आदमी करेगा तो फंस जाएगा अपने जाल में फंस जाता है तो इन्होंने कोई फिक्स्ड पैटर्न का यूज नहीं किया समटाइम्स द विजुअल डिटेल्स ऑफ ड्रेस कम फर्स्ट कभी कभी क्या होते हैं ड्रेस uh, के विजुअल ड्रेस uh, पहले आ जाते हैं थ्रू देम बी सी द करेक्टर जो कि हम करेक्टर में देखते हैं अब यहाँ एक मिनट सुन लीजिए इन्होंने लिखा है द कैंटरबरी ओ सॉरी द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स तो द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स ये जोपरी चौसर की मैगनम ओपस है मतलब मास्टर पीस है और इसी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिली इसमें इन्होंने क्या किया था एक कहानी है मतलब चौबीस कलेक्शन ऑफ ट्वेंटी फोर स्टोरीज ये कैंटरबरी टेल्स चौबीस कहानी का कलेक्शन है और जिसमें क्या हुआ था कैंटरबरी एक इंग्लैंड में स्थान है जैसे एक होली प्लेस माना जाता है थॉमस बैकेट थे तो थॉमस बैकेट की डेथ हो गई थी 1170 में तो उन्हीं के श्रद्धांजलि में एक तरह से उनको होमेज देने के लिए लोग कंटररी टेल्स जाते हैं जैसे मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं हम लोग का गया बनारस रहता है तो वैसे उन लोग का वहाँ रहता है तो ये लोग तीस लोग गए थे मतलब तीस लोग गए थे अगर चौसर को भी मिला लिया जाए तो ओवरऑल इकतीस लोग गए थे मतलब तीस लोग गए थे और यहाँ पर एक होटल का मालिक था होटल के मालिक ने ये कहा था कि एक काम करो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चार पाँच दिन की यात्रा थी तो होटल के मालिक का नाम था हैरी वैली हैरी वैली ने कहा कि हम लोग चल रहे हैं तो ये काम करते हैं सब लोग जाते समय दो कहानी और आते समय दो कहानी दो दो कहानी सुनाएंगे और इससे क्या होगा यात्रा बढ़िया सुखमय हो जाएगी अच्छे से बीत भी जाएगी बोरिंग भी नहीं होगा और इसके बाद जिसकी कहानी सबसे अच्छी रही उसको जो है इनाम दिया जाएगा उसको जो है दावत अच्छी खासी दी जाएगी तो इस तरह से प्लानिंग हुई थी कि तीस लोग हैं अगर एक लोग जाते समय दो कहानी आते समय दो कहानी सुनाएंगे तो ओवरऑल 120 कहानी होगी और ये जो है तेरह सौ ईस्वी में लिखना इसे शुरू किए लेकिन चौदह सौ ईस्वी में डेथ हो गई मतलब जोफरी चासर की डेथ हो गई और इसे चौबीसें कहानी लिख पाए अगर सोचो अगर मरे नहीं होते तो एक कहानी पढ़ना रहता एक काफ़ी पंगा हो जाता फिर अब 24 कैरेक्टर में मेन मेन कुछ का जो नाम मुझे पता है मैं बता दे रहा बता दे रहा हूँ द नाइट है द स्क्वायर है द नाइट द स्क्वायर जो कि इनके लड़का है द यो मैन प्रायोरेस जिनका नाम मैडन एग्लेंटाइन है और आ, फ्रायर हैं और मैनिसपल हैं कुक हैं रीव हैं और पार्डनर हैं फाइव गिल्टस मैन में डायर वीवर टेपसिटी मेकर क्लर्जी मैन पार्सन ऐसे हैं और जो कुछ और हैं बस मेरे को इतना ही पता है चलो अभी इतना हो गया अब पर आते हैं देखो अभी हम जो बात कर रहे थे का नाम लो शैतान हाजिर <laughs> यहाँ पर देखिए डिस्कस इन वेरी ब्रीफ प्रोलॉग टू पोर्ट्रेट गैलरी ये करें कि चौसर की जो मैग्नम ओपस है मास्टरपीस है वर्क प्रोलॉग टू देंटरबरी टेल्स इसको बहुत ब्रीफली डिस्कस करो एक पोर्ट्रेट गैलरी के रूप में अब जैसे पोर्ट्रेट गैलरी क्या होता है तो पोर्ट्रेट गैलरी एक तरह से ऐसा क्या होता है मतलब कुछ डिस्प्ले टाइप होता है ऐसे पेज पलटते चलो और फटाफट जो है पूरा मतलब पता चल जाता है जैसे शादी ब्याह में एक गैलरी बनवाई जाती है पूरा जो है कि हाँ देखते चलो पूरा जो है याद आ जाता है कौन आया था कौन नहीं आया था वही चीज़ है चलिए देखते हैं गोइंग थ्रू द प्रोलॉग टू दंटेरी टेल्स इज लाइक विजिटिंग अ पोर्ट्रेट गैलरी ये कह रहे हैं पोर्ट्रेट गैलरी को अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है पहले तो ये समझते हैं पोर्ट्रेट गैलरी क्या है इन आ पोर्ट्रेट गैलरी बी सी पोर्ट्रेट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन ऑन डिस्प्ले पोर्ट्रेट गैलरी में क्या होता है एक तरह से डिस्प्लेस पर डिस्प्ले पर मतलब किसी स्क्रीन पर हम एक लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को देख सकते हैं वहाँ पर पोर्ट्रेट्स कर सकते हैं। दिज पोर्ट्रेट इम्प्रेस अस विद अ वेराइटी ऑफ पर्सन अ वेराटी ऑफ पोजेज एंड एटीट्यूड्स अब ये पोट्रेट गैलरी क्या होता है इसमें डिफरेंट टाइप के पर्सनस के फ़ोटो और डिफरेंट टाइप के पोज में उनके डिफरेंट टाइप के एटीट्यूड के साथ में रहता है अब वेराइटी ऑफ ड्रेसेस और उसमें कई लोग अलग अलग तरह के ड्रेस पहने होते हैं दे इम्प्रेस अस आल्सो विद दियर बिविडनेस और ये सब क्या करते हैं हमें इम्प्रेस करते हैं अब इसको सीधा शादी ब्याह से कनेक्ट करते हैं शादी ब्याह में क्या होता है जब हम लोग देखते हैं तो उसमें देखो फोटो देखते समय कोई पसंद आ जाता है कि हाँ ये भाई ये कपड़ा मस्त है हम इस तरह खरीदेंगे खासकर ऐसा लड़कियाँ करती हैं नायरा सूट चला नायरा को देख कर, नायरा पहन रही क्या कुछ भी होता है ईच पोर्ट्रेट ईच पोर्ट्रेट क्रिएट्स एन इम्प्रेशन ये देखिए हर पोर्ट्रेट मतलब पोर्ट्रेट में जितने भी फोटोज या जो भी होगा वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं डेट आर रियल ह्यूमन बींग सिट्स और स्टेंड्स बिफोर अस ऐसे मतलब पोर्ट्रेट uh, करते हैं कि जैसे कि सच में कोई एक सच में मतलब एक रियल ह्यूमन हमारे सामने खड़ा हो या बैठा हो जैसे टी वी वूबी देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई सच में रोना आ जाता है एकदम से चल रहा है टी में मार रहे हैं और दया खुद को लग रहा है कि गोली लग रही है द प्रिसाइजली इज द इम्प्रेशन डेट द प्रोलॉग प्रोड्यूस ऑन अस ये देखिए प्रिसाइजली कहा जाए तो एक तरह से प्रोलॉग जो है मतलब ये हम इम्प्रेशन ही करते हैं इम्प्रेस करता है हम लोग को बी आर ग्रेटली स्ट्रक बाई लार्ज वैराइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स एयर और इस पोर्ट्रेट गैलरी के थ्रू हम क्या करते हैं लार्ज वैराइटी ऑफ लार्ज वेरायटी ऑफ पीपल या डाइवर्सिटी से कनेक्ट हो जाते हैं एक तरह से उसको समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ऑन स्पेंसर एज द चाइल्ड ऑफ रिनेैसा एंड रिफॉर्मेशन अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर जैसे पहले यूनिट में फ्रांसिस बैकर ने तीन ऐसे लिखा ऑफ रिवेंज ऑफ ग्रेट प्लेस ऑफ दूसरे यूनिट में है पोइट्री सेक्शन में है जॉफरी चौसर साहब जॉफरी चौसर ने लिखा द कैंटरबरी द कैंटरबरी टेल्स टू ओ सॉरी द जनरल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स जिसमें सत्रह हजार लाइन है और जो चौबीस कहानी का कलेक्शन है और तीसरे नंबर पर ये स्पेंसर आते हैं इनका पूरा नाम था स्पेंसर तो एडमंड स्पेंसर ने एक लॉन्ग नैरेटिव एपिक पोएम लिखा जिनका नाम है फेयरी क्वीन फेरी क्वीन फेरी क्वीन का फेरी क्वीन जो है पंद्रह सौ नब्बे ईस्वी में फेरी क्वीन की पांच किताबें हैं फेरी क्वीन की बुक वन बुक टू बुक थ्री पंद्रह सौ नब्बे में पब्लिश हुआ और पंद्रह सौ छियानबे ईस्वी में बुक फोर और फाइव पब्लिश हुआ तो वहाँ स्पेंसर को कहा जाता है कि चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन अब जैसे रिफॉर्मेशन मीन्स होता है पुनर्जागरण जैसे अभी इंडियन हिस्ट्री में देखें तो एक होता है ना पुनर् पुनर्जागरण काल आ, कौन शुरू किया था राजा राम मोहन राय ने किया था तो ऐसे यहाँ पर चाइल्ड ऑफ रिनेसा और रिफॉर्मेश रिफॉर्मेशन क्या यार कुछ भी लिखा है चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन एज का चाइल्ड किसे कहा जाता है स्पेंसर को कहा जाता है यहाँ पर यह बताना क्यों कहा जाता है डिस्कस करो ठीक है करते हैं स्पेंसर इज इस द चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन वन on साइड क्यों कहा जाता है दो साइड एक साइड तो बी में रिगार्ड विद बी में रिगार्ड हिम विद मिल्टन एक साइड तो हम इनको मतलब एडमंड स्पेंसर को मिल, मिल्टन पूरा नाम था जॉन मिल्टन ने लिखा है पैराडाइज लास्ट जो कि सेकंड पेपर में है एक तर, एक साइड में एक हैंड तो हम स्पेंसर को मिल्टन के साथ कंपैरिजन करते हैं एज सेज एंड सीरियस स्पेंसर जहां पर पाते हैं कि ये बड़े सीरियस है थे ऑन अदर और दूसरे साइड में ही इज द ह्यूमनिस्ट एक बड़े अच्छे ह्यूमनिस्ट मतलब एक ह्यूमन काइंड के थे अलाइव टू द फिंगर टिप्स विच देंस ब्यूटी ऑफ साउदर्न रोमांस और ये साउदर्न रोमांस के एक सेंसस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके टिप पर रहते थे ये दो रीजन है मतलब क्यों कहा जाता है एक तो ये मिल्टन से कंपेरिजन किया गया और दूसरा जो है ये साउदर्न रोमांस के सेंसस ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं अरे ये जो फेरी कोई ने बड़ी अच्छी इन्होंने लिखा है पूरा समरी बताऊंगा अभी आगे चलकर विद ऑल हिज मोरल्टी और अपने सारे मोरल्टी के साथ में मतलब जो भी इनका मोरल्टी ज्ञान की बातें हाँ विद ऑल हिज मोरल्टी स्पेंसर शेयर्ड इन द रिच सेंसस लाइफ देखिए ये अपने पूरे मोरल्टी के साथ स्पेंसर जो है एक सेंसुअस <coughs> लाइफ में शेयर किए विच रिनेसा हैज थ्रोन ओपन टू मैन और जो कि रिनेसा से ही इनको मिली है लोगों तक पहुँची द अ पोएम अभी ये एक से एक आ जाते हैं नाटकबाज एपीथैलमियन एक इनकी अनदर पोएम है लेकिन खुशी की बात है कि ये अपने सिलेबस में नहीं है बहुत अच्छा है। गोली मारो द एपीथेलमियन इज अ पोएम ये एक ऐसी पोएम है डेट कुड नॉट हैव बीन प्रोड्यूस्ड एक्सेप्ट अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द रिनेसा कि अगर इसमें रिनेसा के इम्पैक्ट के बिना इम्पैक्ट के सिवाय इसको अगर रिनेसा के इम्पैक्ट को हटा दिया जाए तो ये पोएम बकवास हो जाएगा तो मतलब ये जो है एक एग्जाम्पल हो गया एक तरह से एपिथैल नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणा क्वेश्चन नंबर इलेवन वाट इज अस्पेंसेरियन स्टेंजा हाँ एक चीज़ और है ये स्पेंसर ने अपने पोयम फेरी क्वीन में ही एक नई स्टेंजा इन्होंने जनरेट किया इस्पेंसेरियन स्टेंजा आगे चलकर जब सोनेट के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं के नाम पर इन्होंने इस एक सोनेट भी बनाया था अपना और जिसे कहा जाता है स्पेंसेरियन सोनेट तीन सोनेट मतलब जनरली तो दो हैं इंग्लिश सोनेट पेट्रार्कन और ये स्पेंसेरियन इस स्टेंजा या सोनेट द स्पेंसेरियन इस स्टेंजा डिवाइज बाई स्पेंसर फॉर द फेरी क्वीन वही बात हो गई ना स्पेंसेरियन इस स्टेंजा को किसने डिवाइज किया स्पेंसर साहब ने एडमंड स्पेंसर ने कौन सी पोएम के थ्रू फेरी क्वीन के थ्रू वाज अ सेट ऑफ नाइन लाइंस लाइन स्टेंजा क्या है तो ये है अ सेट ऑफ मतलब मेन आंसर तो यही है इस सेट है और जहां पर फर्स्ट एट लाइन को एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और लास्ट लाइन को हेक्सामीटर में लिखा गया है जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी बी सी 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 मतलब इसको कैसे याद करेंगे अब अब बस तीन सी सी पी लो तो ए बी ए बी और बस में बी सी और थ्री सी <laughs> ये रामिंग स्कीम है स्पेंसेरियन अब जैसे मेन है इस स्पेंसेरियन स्टेंजा तो दो चीज तो याद ही होना चाहिए नाइन लाइन का सेट है और उन नाइन लाइन का जो गाना है ए बी ए बी बी सी और त्रिपल सी ियन स्टेंजा वॉज इमिटेटेड अब देखो इनको नकल भी किया गया इमिटेटेड बाई जेम्स थॉम्पसन इन कैसल ऑफ इडोल क्या है इंडोलेंस इंडोलेंस अब इस स्पेंसेरियन स्टेंजा को जेम्स थॉम्पसन ने इमिटेट किया मतलब नकल किया और किसमें अपनी कैसल इडोल सेंस में किड्स एडॉप्टेड इट इन दिस और कीट ने भी इसको एडॉप्ट किया जॉन कीट ने जिन्होंने लिखा तो कीट ने भी इनको एडॉप्ट किया और किस कौन सी मतलब वर्क में अडॉप्ट किया तो वो है द यू ऑफ इट एग्नीज सैली इन एडोनियस सैली ने भी इसको एडॉप्ट किया और वो भी किस में एडोनियस में टेनिसन यूज इन आ, लोटस ईटर टेनिसन भी इस, इस स्पेंटेंजा का यूज किए अपने पोएम लोटस ईटर को तो कहें नहीं फेमस होंगे स्वेंसेरियन स्टेंजा को किसने किसने नकल किया एक तरह से तो पहले तो ये किए कहाँ गए जेम्स थॉम्पसन ने दूसरा किया कीट ने भी किया सेली ने भी किया टेनिसन ने भी किया सब किए हैं चलो आगे चलते हैं यहाँ पर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फोर्थ कॉमिक सीन ऑफ डॉक्टर फॉस्टस अब यहाँ फिर समझो डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजडी है ये फर्स्ट पेपर के सिलेबस में है डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजडी है और डॉक्टर फोस्टस में क्या बताया गया है क्या बताया गया ट्रेजिडी है डॉक्टर फोस्टस की ट्रेजिडी के बारे में बताया गया हाँ डॉक्टर फॉस्टस को लिखा है क्रिस्टोफर मॉर्लो ने लिखा है क्रिस्टोफर मॉरलो ने इसको लिखा है अब यहां पर डॉक्टर फोस्टस में एक फोर्थ कॉमिक सीन तो है ही लेकिन कॉमिक सीन में ये बताना है कि फोर्थ नंबर पर कौन सी कॉमिक सीन है देखो कितना डीपली पूछा है फर्स्ट नंबर का कॉमिक सीन पता नहीं फोर्थ का पूछ रहा है ठीक है फोर्थ का तो याद ही कर लेते हैं द फोर्थ कॉमिक सीन अकर्स इन एक्ट फोर सीन थ्री ये देखिए डॉक्टर फोस्टर्स में जो फोर्थ कॉमिक सीन है वो एक्ट फोर सीन थ्री में अकर होता है इसको ऐसे याद रख लो जो कॉमेडी होगी एक से होगी बस हम गायब हो जाएंगे बस तो वन फोर थ्री, वायरस हुई आई लव यू वाला आई गायब कर दूँ अपने आप को लव यू <laughs> तो बस ये लव यू मतलब फोर्थ कॉमन सीन में क्या करना है लव यू करना है मतलब खुद भाग जाना है नहीं पिट जाना है भाई पिट जाएंगे तो आई को हटा देंगे तो फोर थ्री तो ये फोर्थ कॉमिक कॉमिक सीन फोर्थ से सी क्लियर है फोर और थ्री एक्ट फोर में सीन थ्री में फॉस्टस अब इसमें क्या है कौन सी कॉमिक सीन है फॉस्टस मेक्स अ पेयर ऑफ हॉर्न्स अपियर इन एन इंसोलेंट नाइट्स हेड इसमें क्या करता है फॉस्टस जो कि एक तरह सा एक तरह का प्रोटागानिस्ट है मतलब डॉक्टर फोस्टस में फोस्टस के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है तो उसी को प्रोटागानिस्ट बोलते हैं तो फोस्टस क्या करता है एक नाइट नाइट के सिर पर सींग उगा देता है सींग जैसे क्या होता है जाता है ये एम्प्रर के पास तो नाइट एक नाइट जलता था ये जलता था ये जो जादू सीखे सब काला जादू से सीखे तो उसको जलन हो जाती है तो ये इसको फॉस्टस को पता चलता है तो फॉस्टस क्या करता है उस नाइट के सिर पर सिंग सींग का एक पेयर मतलब दोनों तरफ दो सींग कर देता है और कहता है अब उनको बुलाओ तो एक कॉमेडी हो जाती है द साइट इज कॉमिक अब ये सीन जो है बड़ी कॉमिक मतलब हंसी मजाक वाली होती है एंड हार्मलेस सीन्स फॉस्टस रिमूव्स द हॉर्न्स एट द एम्परर्स रिक्वेस्ट और ये हार्मलेस होता है मतलब जब एम्परर कहते हैं कि हटा दो सींग अब सुधर गया बेचारा तो फॉस्टस के कहने पर अरे यार क्या कह रहे हैं इंप्र के कहने पर फॉस्टस क्या करता है उस नाइट के से को हटा भी देता है, तो एक तरह से फोर्थ सीन, है, बड़ी अच्छी सीन है। चले, आगे चलते हैं। राइट, कहां गया? राइट सेकंड फार्सिकल सीन ऑफ डॉक्टर अब यहां पर देखिए अभी तो कॉमिक सीन था लेकिन अब डॉक्टर फॉस्टस की फार्सिकल सीन को लिखना है अब ये फार्सिकल सीन का मतलब क्या होता है क्या है तो ये फार्सिकल सीन सेकंड नंबर की ये अपियर होती है सीन और एक्ट फोर में सीन वन एक्ट फोर में होती है अपीयर रॉबिन्स जिसमें क्या होता है रॉबिन्स टेल्स राल्फ जिसमें रॉबिन जो है राल्फ को बताता है डेट ही हैड स्टोलन अ मैजिक बुक ऑफ फॉस्टस कि उसने फॉस्टस की वो जादू वाली किताब चुरा ली है उसने फॉस्टस की जादू वाली किताब चुरा ली है नाउ ही कैन गेट अ प्लस ऑफ वाइन फ्रॉम एनी टावर इन यूरोप अब यहाँ पर फिर क्या होता है मतलब ये फार्सिकल सीन में एक तरह से ये भी कॉमिक सीन है सेकंड में क्या होता है डॉक्टर फॉस्टस की किताब को दो लोग एक रॉबिन और राल्फ मतलब रॉबिन चुरा लेता है और चुरा कर रॉबिन अपने दोस्त राल्फ से बताता है कि हमने जो है डॉक्टर फॉस्टस की जादू वाली किताब चुरा ली है नाउ ही कैन गेट अ प्लस ऑफ वाइन फ्रॉम एनी टावर इन यूरोप अब वो जादू से यूरोप में किसी भी शराब खाने से जो है बढ़िया शराब मंगा सकता है आराम से पियेंगे एंड कैन आल्सो बीट द किचन मेड फॉर राल्फ और राल्फ के लिए किचन नौकरानी के नौकरानी को भी पीट सकता है मतलब कुछ भी कर सकता है एक तरह से उसकी जादू की किताब को पढ़कर अब वो भी बुलाएगा मी फिस्टो को ये बुलाता भी है मी फीसटो आता है वो गुस्सा हो जाता है इनसे कहता है अगर तुम मुझे बुलाए तो मैं तुम्हें शराब दे दूँगा तो बेचारे डर के मारे कभी नहीं करते हिम्मत नहीं करते एक बार किए थे लंका लग गई आगे व्हाट इज अरेकल प्ले वैसे अब मिराइकल आदमी कहता है वाट्स मिराकल तो मिराकल मीन्स क्या होता है थोड़ा चमत्कारिक तो मिराकल प्ले अब वही मिराकल होगा जहाँ पर थोड़ा या तो जादू टोना रहेगा या तो धार्मिक मामला रहेगा क्योंकि धर्म में ही भगवती माई आती हैं बाकी साइंस में तो को, कोनो माई नहीं आती है तो <laughs> यहाँ देखते हैं अ मिराइकल प्ले इज बेसिकली आ रिलीजियस प्ले वही चीज़ है मिराकल प्ले एक प्रकार का रिलीजियस प्ले होता है दे डील विद द लाइफ्स ऑफ सेंत और ये संत की लाइफ को कहीं ना कहीं डील करते हैं एंड मेरेकल्स परफॉर्म परफॉर्म्ड बाई देम और संत के द्वारा जो भी मेरेकल्स परफॉर्म किया जाता है उसी चीज़ को शो किया जाता है जैसे आजकल क्या कि हाँ बाबा के कहने पर बच्चा पैदा हो गया बाबा के कहने पर पैदा हो रहा है कुछ भी सुपरिस्टिशन को लोग ऐसे ऐसे फॉलो करते हैं द लाइफ एंड माइट्रीडम ऑफ अ सेंथ अब देखिए जो संत की लाइफ होती है और वो सच्चाई को फॉलो करते हुए मार्टिडम को प्राप्त हो जाते हैं जैसे मर जाते हैं शहीद हो जाते हैं शहादत को प्राप्त हो जाते हैं फाउंड द सेंट्रल थीम ऑफ अ मिराकल प्ले और यही मिराकल प्ले का एक सेंट्रल थीम बन जाता है जैसे कई सारे बाबा हैं ऐसे कि हाँ वो अपना जान भी दे दिए सच्चाई को बचाते बचाते तो लोग उनकी पूजा करते हैं एक तरह से ठीक है उनके ऊपर चलते हैं उनके अनुसार मेराकल प्ले तो मेरेकल प्ले का जो सेंट्रल थीम होता है वो कोई संत संत की लाइफ होती है और वो भी जिंदा जिंदा रहने पर नहीं मरने पर जैसे जीसस क्राइस्ट जब तक जिंदा रहे तब तक भाई कीले से ठुकाया जा रहा था जब मर गए तो आज भगवान की तरह पूजा किया जा रहा है तो एक तरह से उनका भी है वाट इज अ मिस्ट्री प्ले सब प्ले है यहाँ पर मिस्ट्री प्ले क्या है तो मिस्ट्री का मतलब होता है थोड़ा रहस्यमयी वैसे भी होता है एक मिस्टीरियस देखते हैं द मिस्ट्री प्लेज बेसिकली डील विद द थीम्स टेकन फ्रॉम द बाइबल वही चीज़ अब बाइबल के अनुसार दुनिया सात दिन में बनी है कुछ भी पॉसिबल है <laughs> धर्म के अनुसार देखिए मिस्ट्री प्लेज बेसिकली डील विद द थीम्स टेकन फ्रॉम द बाइबल मिस्ट्री प्लेज एक्चुअली जो होती हैं वो बाइबल का कोई ना कोई पार्ट होता है जैसे बाइबल का एक दो चैप्टर ले ली उसी को एक्सप्लेन कर दिए तो वही हो गया मिस्ट्री प्ले दे प्रजेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेजर इवेंट्स फ्रॉम द क्रिएशन अब उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं एक ऑर्डर वाइज जहाँ पर वो क्रिएशन को बताते हैं फॉल ऑफ मैन को बताते हैं कि इंसान कैसे मतलब बना थ्रू नेटिविटी क्रूसीफिकेशन एक मतलब क्रूसीफिकेशन के साथ में रिकर रिसर्स uh, के साथ मतलब थोड़ा सा संशोधन करके थोड़ा सा हंसी मजाक ऐड करके जैसे मूवी होती ना सीरियस से सीरियस मूवी में एक दो गधे टाइप के रहते हैं उनका काम ही होता है कि हाँ हंसाना कि ठीक है जब पब्लिक को ऐसे लगे कि ये बोर हो रहे हैं तो तुम मारा जाओ और थोड़ा सा कॉमिक्स इन क्रिएट कर दो क्राइस्ट टू द लास्ट जजमेंट तो इस तरह से जैसे अभी आपका पैराडाइज लास्ट एक तरह से इसको वैसे पैराडाइज लास्ट पोयम है लेकिन पैराडाइज लास्ट को एक मिस्टीरियस की कैटेगरी में रख सकते हैं नेक्स्ट है वाट आर मोरलिटी प्लेज अब ज्ञान की बातें नाम से क्लियर जहाँ मोरल moral हो मोरलिटी प्लेज क्या है मोरलिटी प्लेज आर एलो सॉरी यार एलोगेरिकल प्लेज मोरलिटी प्लेज वो होती हैं जो कि एलोगेरिकल प्लेज होती हैं दे प्रेजेंट ऑन द स्टेज परसोनीफाइड वर्च्यूज इनको स्टेज पर प्रेजेंट किया जाता है परसोनीफाइड वर्च्यूज मतलब कुछ परसोनीफाई करके परसोनीफाई का मतलब जैसे नॉन लिविंग को लिविंग मान लिया जा रहा है एंड वॉइस और कुछ ऐसे वर्स वाइसेज का यूज करते हुए एवरी मैन इज प्रेजेंटेड एज हीरो और मोरलिटी प्लेज में एक तरह से ये दिखाया गया है कि हर इंसान को एक हीरो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है सटन परसोनीफाइड एज वॉइस और जहाँ पर पैराडाइज लास्ट में सटन को एक पर्सोनिफाइड वॉइस के रूप में गॉड एंड क्राइस्ट को एक वर्च्यू और वर्च्यू के रूप में दिखाया गया है डेथ को एक रिवार्ड के रूप में अगर गलती करोगे तो आपको इनाम मिलेगा वो है डेथ वाला गजब का इनाम और, और सिंह या कोई पाप करोगे है ना तो इस तरह से होता Next है नेक्स्ट है वट आर कॉल्ड इंटरल्यूड्स अब ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं इंटरल्यूड क्या होता है द इंटरल्यूड्स वर जनरली शॉर्ट इंटरटेनमेंट्स इंटरल्यूड जो होता है ये शॉर्ट इंटरटेनमेंट होता है इंसल्टेड विदिन अ लॉन्गर प्ले और एमिड्स सम अदर फेस्टि फेस्टिविटीज और फेस्टिवल्स वही चीज़ है ना इंटरल्यूड क्या होता है जैसे uh, कोई लंबी प्ले है कोई प्ले बहुत बोरिंग टाइप है जैसे अभी आज की वीडियो मेरी उनतालीस मिनट का हो गया तो आधे मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाती है ना तो ऐसे कोई लॉन्गर प्ले में बीच बीच में ऐसा कुछ इंटरटेनमेंट्स क्रिएट करना वो पोर्शन कहलाता है इंटरल्यूड कहलाता है दियर प्राइमरी फंक्शन वाज टू इंटरटेनमेंट इंटरटेन मतलब इंटरल्यूड का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है इंटरटेन होता है एंड आइडियंस बाई ह्यूमर्स और आइडियंस को मतलब एक ह्यूमर्स के थ्रू ह्यूमर्स के थ्रू का भैया सोता हो का अरे सो रहे हो का भैया तो एक तरह से ये क्या हो गया इंटरल्यूड हो गया जैसे बीच बीच में आपका का भैया उदी लैंग्वेज ऐड कर दिए तो एक हंसी मजाक तो ये हो जाता है इंटरव्यू अब यहाँ नेक्स्ट है व्हाट इज अ ट्रैजिडी ट्रेजिडी क्या यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है जैसे अभी फर्स्ट पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर में एलिजाबेदन की दो ट्रेजडी ली गई है एक तो है क्रिस्टोफर मॉर्लो की डॉक्टर फॉस्टस और दूसरी ट्रेजिडी है इस्पेनिश ट्रेजिडी और इसको लिखा थॉमस किड ने लिखा तो वही है देखते हैं ट्रेजिडी क्या है जैसे कॉमेडी तो कॉमेडी का जस्ट अपोजिट है ट्रेजिडी द ट्रेजिडी इज द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ गुड एंड ग्रेट मैन देखिए कॉमेडी जो होती है एक अच्छे और एक महान व्यक्ति की एक दुखमयी कहानी होती है हु आन अकाउंट ऑफ अ स्लाइट फ्लो इन हिज कैरेक्टर पासिस थ्रू इमोशनल एंड स्परिचुअल क्राइसिस एंड फाइनली मीट हिज डूम एंड डेथ जो कि जिंदगी भर दुख दर्द सहता है और आखिरी में मर जाता है सहते सहते नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द स्पेनिश ट्रेजडी अब देखिए स्पेनिश ट्रेजडी का मेन थीम क्या है तो लव एंड मेमोरी है मतलब प्यार है और प्यार की याद में मार काट दुनिया का काम है नॉट ओनली इज रिवेंज मतलब रिवेंज ही नहीं अ फॉर्म ऑफ जस्टिस इन द प्ले मतलब इस प्ले में जो जस्टिस का तरीका अपनाया गया है वो है रिवेंज मतलब वो हमारे हमारे मतलब प्यार हमें प्यार में धोखा दिए तो इनको हम मारेंगे और ये बड़ी अजीब प्ले है मतलब स्पेनिश ट्रेजिडी में क्या है एक लड़की है अब यहाँ पर क्या है एक लड़की थी बेल एम्पीरिया तो बेल एम्पीरिया पहले जॉन पहले डॉन एंड्रिया से प्यार करती थी तो डॉन एंड्रिया को मार दिया गया फिर डॉन डॉन एंड्रिया का दोस्त होरेसियो अपने दोस्त के सम्मान में मतलब वो स्कार्फ दे रखी थी बेल एम्पीरिया उनको वो स्कार्फ बांध लिया अब बेल एम्पीरिया को प्यार हो जाता है होरेसियो से होरेसियो से इधर प्यार हो जाता है इधर इनका चलता है प्यार मोहब्बत और बेल एम्पीरिया की शादी इनके घर वाले जो है किसी दूसरे से करवा देते हैं तो जिससे करवाते हैं वो जलता है तो एक दिन बेल एम्पीरिया और होरेसियो बगीचे में जाते हैं मिलने और बेल एम्पीरिया की नौकरानी नौकर मतलब धोखा दे देता है इनके बाप से बता देता है इनके बाप आते हैं और उनके आशिक जिनसे शादी तय करवाए होते हैं दोनों लोग आते हैं एक नौकर आते हैं तीनों लोग आते हैं हो रैसियो को ऐसे लटका कर चाकू से मार देते हैं बैल एम्पीरिया के सामने मतलब बैल एम्पीरिया के सामने होरेसियो की हत्या कर दी जाती है अब बैल एम्पीरिया आगे चलकर होरेसियो के बाप को खून से खत लिखती है कि हाँ तुम्हारे बेटे को मेरे बापू और मेरे भाई ने लिखा मारा है मतलब ये लोग मारे हैं अब उनके बाप को गुस्सा हो जाते हैं कहते हैं ऐसे कैसे तो वही पूरा मतलब बड़ी अजीब कहानी बताएंगे ये चीज़ देखते हैं यहाँ पर स्पेनिश ट्रेजिडी का मेन थीम है लव एंड मेमोरी नॉट ओनली इज रिबेंज अ फॉर्म ऑफ जस्टिस इन द प्ले मतलब इस प्ले में जस्टिस ही जस्टिस ही मतलब रिबेंज रिबेंज एक तरह से जस्टिस का जो रूप है रिबेंज ही नहीं है बल्कि और भी है इट इज आयरनकली इनफ मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरनकलीटारिकल एंड एक्सप्रेशन ऑफ लव बेल इम्पीरियाज लव फॉर एंड्रिया जहाँ पर बेल एम्पीरिया का प्यार जो एंड्रिया के प्रति है लीड्स हर टू डिजायर रिवेंज अगेंस्ट बेल्थ जार ये ले जाता है क्या बेल्थ जार के खिलाफ हो बदला बेल्थ जार रिबेंस हिमसेल्फ अगेंस्ट हो रेसियो अब बेल्थ जार जो है इनका प्यार पाने के लिए हो रेसियो से के खिलाफ हो जाता है बिकॉज ही लव बेल एम्पीरिया क्योंकि वो मतलब बेल्थ जार बेल एम्पीरिया को प्यार करते बेल एम्पीरिया हो रेसियो को प्यार करता है ये उल्टा मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का है चलिए बताते हैं कहानी में मिलेंगे इसे फिर से अभी तो शॉर्ट आंसर है व्हाट इज़ द क्लाइमेक्स ऑफ द स्पेनिश ट्रेजिडी अब देखो स्पेनिश ट्रेजिडी का क्लाइमेक्स कहाँ से आता है अभी पूरी कहानी पढ़े होते तो और मज़ा आता देर आर टू क्लाइमेक्स इन द स्पेनिश ट्रेजिडी स्पेनिश ट्रेजिडी में दो क्लाइमेक्स है क्लाइमेक्स का मतलब जहाँ कहानी रंग लाती फर्स्ट इज द मर्डर ऑफ डॉन एंड्रिया इन एक्ट सेकेंड एक्ट सेकेंड पहला तो है कि बेल एम्पीरिया का आशिक पहला वाला आशिक पहला वाला मोहब्बत एक्ट सेकंड में मारा जाता है सेकंड इज द प्लेलेट सॉलीमैन एंड परसिडा और सेकंड जो है प्लेलेट सॉलीमैन और परसिडा के द्वारा करना आगे देखते हैं हु इज द एंटागोनिस्ट इन द स् इस्पेनिश ट्रेजडी स्पेनिश ट्रेजडी में एंटागोनिस्ट कौन है एंटागोनिस्ट का मतलब एक तरह से बिलन कौन है तो बेल एम्पीरियाज ब्रदर बेल एम्पीरिया का भाई द ड्यूक ऑफ कास्टाइल्स सन जो कि ड्यूक ऑफ कास्टाइल का बेटा है एंड एंटागोनि ओ सॉरी आर द एंटागोनिस्ट ऑफ द स्पेनिश ट्रेजिडी मतलब वही है भाई अब नेक्स्ट लेवल का है बैन किस हो नहीं रहा है बैन किसी और से प्यार करती भाई और कुछ चाहता है जनरली ये तो बेल एम्पीरिया का भाई और इसका नाम था लोरेंजो नहीं दिया गया है शर्म आ रही होगी ना द ड्यूक ऑफ कास्टाइल का सर मतलब इनके बाप के नाम कास्टाइल का, का ड्यूक था ये तो स्पेनिश ट्रेजिडी का ये एंटागोनिस्ट है प्रोटागोनिस्ट में देखा जाए तो कौन है भाई प्रोटागॉनिस्ट में होरेसियो कह सकते हैं नहीं नहीं हिरोनिमो कहा जाएगा या होरेसियो भी कह सकते हैं बेलम्पीरियन नहीं कन्फर्म है वाई हेरेमो इज मैर्ड इन द स्पेनिश ट्रेजेडी अब होरेसियो के बाप का नाम था हीरो नीमो जब हीरेमो को पता चलता है कि मेरे बेटे को कोनो मार के लटकाई के चाकू से भोग दिए तो ये पागल हो जाता है तो इसलिए स्पेनिश ट्रेजेडी का दूसरा नाम होता है दूसरा नाम है दूसरा टाइटल है होरेनिमो इज मेर्ड अगेन और वही चीज़ स्पेनिश ट्रेजेडी में हो रेसो हो निमो क्यों पागल हो जाता ये है ये चीज़ है द स्पेनिश ट्रेजिडी इज रिटन बाय थॉमस किड ठीक है स्पेनिश ट्रेजेडी को थॉमस किड ने लिखा पंद्रह सौ बयासी से पंद्रह सौ बानबे में पंद्रह सौ सत्तानबे में फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ सोलह सौ चार में पब्लिश हुआ था बता दिए समझ में आया ठीक है हीरो निमो नहीं पंद्रह सौ पब्लिश पब्लिकेशन डेट सोलह सौ सो पंद्रह इसकी सॉरी भाई हीरो निमो एंड हीज वाइफ ईसा बेला हीरो निमो और इनकी पत्नी का नाम था ईसा बेला बोथ आर सेंट्रल कैरेक्टर्स ये दोनों जो हैं स्पेनिश ट्रेजिडी के सेंट्रल कैरेक्टर हैं दे एंड दियर सन हैंग्ड इन्होंने पाया कि उनका बेटा फांसी पर लटका हुआ है एंड स्टैब्ड और, और चाकू से भोका भोग कर मार मारा गया उसे चाकू से मतलब भोग कर हत्या की गई है डैड सो आई हिरोनमो गॉट मेड और ये सब देख कर हीरोनो पागल हो पागल हो जाता है या पागल हो गया नेक्स्ट है हु आर द थ्री क्रिएट्स इन द एल्केमिस्ट अब फिर नहीं देखिए अब क्या है एल्केमिस्ट एक कॉमेडी है जैसे अब फर्स्ट पेपर में दो कॉमेडी एल्जाबेदन की दो कॉमेडी को लिया गया एक तो द एल्केमिस्ट जिसको बेन जॉनसन ने लिखा है और दूसरी कॉमेडी है वो है एंडीम्यन एंडी जिनको लिखा है जॉन लिली इसके बारे में कोनो मैटर मिलता ही नहीं है बस इतना पता एंडी म्योन है जॉन लिली ने लिखा है और एंडी का दूसरा नाम है मैन इन द मून आदमी चांद पर क्या कर रहा है नहीं पता है कॉमेडी है आगे देखिए हो सकता है पत्थर उत्थर देख चेक कर रहा हो अभी चरखा लगता है गांधी जी का चरखा कहाँ है गायब है सब आगे देखते हैं हु आर द थ्री अच्छा थ्री क्रिएट्स थोड़ी सॉरी यार थ्री चीट्स या थ्री चीटर्स होना चाहिए वैसे यहाँ पर एल्केमिस्ट में तीन चीटर्स कौन है जैसे एल्केमिस्ट में ये कहानी ये भी कॉमेडी है बड़ी इंटरेस्टिंग है इसमें क्या है एक दोस्त मतलब एक मालिक रहते हैं लब्बिट प्लेग बीमारी फैलती वो गाँव वाले घर में चले जाते हैं इनका नौकर रहता है जेरमी और जैसे मालिक जाता है नौकर जेरमी अपना नाम बदलता है और कह कर लेता है फेस अपना नाम चेंज करके फेस कर लेता है अपने दोस्त को बुलाता है उसका नाम था सटल और एक उसी में प्रॉस्टिट्यूट को बुला लेता है जिसका नाम है डॉल कॉमन तीनों लोग मिलकर फ्रॉड वाला बिजनेस चलाते हैं तो यही तीनों लोग हैं यहाँ पर हम बता दो दिए थ्री चीटर्स यहाँ देखिए द एल्केमिस्ट फोकसेस ऑन वाट हैपेंस वेन आर मैन बींग सिक्स एडवांटेज ओवर अन अदर इन बिग सिटी लाइक लंदन ये एल्केमिस्ट इस बात पर फोकस करता है कि जब बड़े शहरों में लोग किस तरह से दूसरे लोगों का फायदा उठाते हैं उनको बहकाते हैं दिस प्रोसेस ऑफ एडवांटेज सीकिंग इज राइप और इस तरह का जो एडवांटेज का प्रोसेस है ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक आ, क्या होता है मतलब पेनफुल ही होता है द टायरो ऑफ कॉन आर्टिस्ट और इनमें जो कॉन आर्टिस्ट हैं वो सटल हैं फेस हैं और डॉल तो हैं ही भाई डॉल कॉमन ये इन दोनों खुश करते रहते हैं ग्राहक को भी यहाँ ठीक है नेक्स्ट लेवल का चलता है यहाँ पर वाट आर द टू मेन गोल्स ऑफ एल्केमिस्ट अब एल्केमिस्ट का दो मेन गोल क्या है तो एल्केमिस्ट टू द मेन गोल ऑफ एल्केमिस्ट इज टू फंड द स्टोन ऑफ नॉलेज यहाँ पर देखें एल्केमिस्ट में एक एल्केमी होती है एल्केमी का मतलब ये होता है कि फिलासफर स्टोन से सोना किसी भी मेटल uh, को सोना कैसे सोना में कैसे कन्वर्ट किया जाए तो ही द मेन गोल ऑफ द एल्केमिस्ट टू फंड द स्टोन ऑफ नॉलेज स्टोन ऑफ नॉलेज को प्राप्त करना जिसको कहते हैं फिलासफर्स स्टोन टू डिस्कवर द मीडियम ऑफ इटरनल यूथ एंड यूथ ताकि इटरनल यूथ और हेल्थ के मीडियम को डिस्कवर किया जा सके एंड टू डिस्कवर द ट्रांसम्यूलेशन ऑफ मेटल्स और मेटल्स को की सारे के सारे मेटल्स को ट्रांसफर किया जा सके गोल्ड में व्हाट इज दब टाइटल एंड रिटर्न डेट ऑफ एंडिमियन चलो एक और मिल गया धन्यवाद भी एंडी म्यन ये कॉमेडी है इसको लिखा है जॉन लिली जॉन लिली ने लिखा है और इसका कब लिखा पंद्रह सौ अट्ठासी ईस्वी में लिखा है और इसका जो मेन मतलब दूसरा नाम है द मैन इन द मून इज एन एल्जावेदन कॉमेडी इसकी केवल इतना ही मैटर मिलता है यूट्यूब पर कोनो मैटर नहीं मिलता इस पर ना ही गूगल पर कोई क्लियर कट मिलता है मैम खुद नहीं बताई हैं आगे देखिए राइट द फर्स्ट कॉमिक सीन इन द डॉक्टर फोस्टस हाँ भैया चौथे सीन की तो बात हो गई थी चौथे सीन में क्या हुआ था तो चौथे सीन में हुआ था उन्होंने नाइट के सिर पर सिंग उगा दिया था सिंग लगा दिया था फर्स्ट फर्स्ट कॉमिक सीन में क्या होता है डॉक्टर फोस्टस के तो फर्स्ट होता है एक्ट वन सीन टू ये सही बात सीरियल से फर्स्ट एक दो एक्ट वन सीन टू वैगनर द सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फॉस्टस बिफोर द हाउस ऑफ डॉक्टर फॉस्टस मीड्स टू स्कॉलर्स यहाँ पहले क्या होता है डॉक्टर फोस्टस का नौकर जिसका नाम है वैगनर जब डॉक्टर फॉस्टस जादू टोना सीख रहा होता है तो उस दौरान डॉक्टर फॉस्टस के घर के सामने उसके दो स्कॉलर दोस्त आते हैं दे आर फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर फॉस्टस और वो बताते हैं कि वो डॉक्टर फॉस्टस के मित्र हैं दे इंक्वायर अबाउट डॉक्टर फॉस्टस और उनसे पूछते हैं डॉक्टर फॉस्टस के बारे में बताओ वो क्या कर रहे हैं वैगनर टास्क टू देम लाइक अ लर्न मैन अब यहाँ बैगनर उनसे ऐसे बात करता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो एंड पजल्ड देम विद हिज आंसर्स और अपने आंसर के साथ में उन दोनों विद्वान को कन्फ्यूज कर देता है ही डिस्क्राइब्स फॉस्टस आ सेविंग आ कॉर्प्स वो कहते हैं कि फॉस्टस असली वाली विद्या सीख रहा है जादू सीख रहा है नेचुरल रिफर्स टू द डाइनिंग हॉल एज द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन वेयर द फूड स्टप्स आर एग्जीक्यूटेड इन अदर वर्ड्स ही मीन्स टू से दूसरे शब्द में उसका मतलब ये था डेट हिज मास्टर इज विद इन ही डिसीजंस टू टेक नेक्रोमेंसी नेक्रोमेंसी का मतलब होता है जादू टोना सीखना एंड कॉन्यूर कॉल द स्प्रिट वही जादू टोना सीख रहे हैं और स्प्रिट को बुला रहे हैं डेट बेरी नाइट मतलब अब बहुत रात हो गई तो वो ये काम कर रहे हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द कंसेप्सन ऑफ ट्रेजिडी बस तीन क्वेश्चन और है तीस का तो टारगेट पूरा ही करना है अब ये करें ट्रेजिडी का कॉन्सेप्शन मतलब ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है एक तरह से ट्रेजिडी को किस बेस पर बनाया जाता है मार्लोज एन अदर कंट्रीब्यूशन देखो यहाँ अरे तो यहाँ नहीं ठीक नहीं, मार्लो का जो दूसरा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश ड्रामा में चूँकि हाँ ठीक है दूसरा कंट्रीब्यूशन है मार्लो ने लिखा था डॉक्टर फॉस्टस इज हिज कंसेप्शन ऑफ ट्रेजिडी ये है उनके ट्रेजिडी का एक कंसेप्शन ही है फॉर मिडिल एजेज ट्रेजिडी वॉज अ थिंग क्योंकि मिडिल एज से ट्रेजिडी एक ऐसी चीज हुआ करती थी ऑफ अ एक ऐसी चीज़ हुआ करती थी प्रिंस एंड प्रिंसेस के लिए मतलब ट्रेजेडी जनरली प्रिंस और प्रिंसेस के लिए हुआ करते थे फॉर मार्लो इट वॉच अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल हीरोज लेकिन मार्लो के लिए ये चीज़ एक अलग में हो गया इंडिविजुअल हीरोज़ के मैटर के केस में था फॉर एरिस्टोटल ट्रेजिडी अब एरिस्टॉटल के केस में क्या है ट्रेजिडी आ थिंक फॉर द मिडिल टाइप ऑफ द पीपल एरिस्टॉटल ने कहा ट्रेजिडी जो है मिडिल टाइप ऑफ पीपल के लिए एक चीज़ होती है बाकी लोगों के लिए नहीं ही एक्सक्लूडेड द हायर क्लासेस वो क्या करते थे हायर क्लास के लोगों को एक्सक्लूड कर देते थे क्योंकि बड़े लोग बड़ी बातें जैसे बड़े लोग होते हैं ना आजकल बड़े लोग को बड़ी बड़ी बीमारियां होती छोटी नहीं होती वर्चुअस द वर्चुअस एंड सैगाज देअर सफरिंग कुड सॉक दीपल सफरिंग ऑफ इमोरली डिप्रेड पर्सनस एक तरह से जब वो देखते थे तो जैसे अब छोटे लोग देखेंगे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे भाई ऐसा मेरे भी साथ हो सकता है इसलिए पाप नहीं करना है, है ना अभी गाँव में कोई ऐसे कहानी सुना दो बहुत दुख भरी कहानी सुना दो आधे लोग ऐसे सुधर जाएंगे भाई हम नहीं करेंगे नहीं तो हमारे भी साथ ऐसा हो जाएगा <laughs> और शहर वाले कहेंगे अभी रोज सुनते रहते हैं <laughs> उनके लिए मजाक हो जाएगा नेक्स्ट देखिए राइट नोट ऑन देंसर फिर स्पेंसर को एक तो चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन कहा गया और स्पेंसर को पोएट ऑफ द पोएट पोएट्स पोएट कवियों का कवि कहा, <laughs> poet. कहा जाता है वाह क्या बात है स्पेंसर क्लेम टू बी कॉल्ड द पोएट्स पोएट स्पेंसर को पोएट का पोएट कहा जाता है स्पेंसर वाज द चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन ही हैड एट हिज क्रेडिट ऑल ऐसा क्यों इसलिए कहा जाता है ऑल डेट वॉज ग्रेट एंड प्रेज वर्दी इन रिनेसा कि रिनेसा में इनको सबसे ज़्यादा प्रेज मिली हिज पोइट्री कंटेंट द मेरिट्स ऑफ द रिनेसा और इनकी पोइट्री रिनेसा के ही मेरिट्स को रिनेसा की अच्छाइयों को कंटेंट करती थी इसलिए इनको कहा जाता है बुराइयों को कहाँ कर वो चाइल्ड कह पाती है ही हैड द स्कॉलरी ट्रेडिशंस ऑफ द पोइट्स ऑफ द एंटीक्विटी इनके पास एक तरह से पोइट की स्कॉलरी ट्रेडिशन था स्पेंसर इज सेट टू बी पोइट्स पोएट इन इंग्लैंड स्पेंसर को इंग्लैंड में पोइट का पोएट कहा जाता है बिकॉज ही परफॉर्म्ड अब मेन आंसर ये बिकॉज ही परफॉर्म्ड ग्रेट वर्क्स फॉर द ग्लोरीफिकेशन एंड इलेवेशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पोइट्री के ग्लोरिफिकेशन के लिए उसको उजागर करने के लिए एक तरह से ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट वर्क किया विच नो वन हैड डन बिफोर स्पेंसर जिसको स्पेंसर के पहले किसी ने भी नहीं किया था ड्राइडन प्रेस्ड डेट देयर वॉज गॉड्स प्लेंटिंग इन चौसर ड्राइडन ने ये भी प्रेज किया कि चौसर ने जो लिखा था वो चौसर में एक गॉड्स की प्लेंटिंग थी मतलब बहुत अच्छा लिखा था चौसर में चौसरेन एज में एक तरह से राइट नोट ऑन फॉस्टर्स कंफ्यूजन के कंफ्यूजन पर शॉर्ट नोट लिखो postus को ये कंफ्यूज था जब ये जादू टोना सीखने जा रहे थे तो उनके दिमाग में भैया करें कि ना करें तो जैसे दो विचार होता है ना तो यहां पर गुड एंजिल बैड एंजिल के रूप में रिप्रेजेंट किया गया तो गुड एंजिल कहते थे अब एक करो सीखो कोनो दिक्कत ना बढ़िया अरे सॉरी यार पाप कर दिया. गुड एंजिल कहती थी ये सब गलत है अगर तुम्हें पढ़ना है तो जाकर स्क्रिप्चर्स पढ़ो बैड अंजिल आप अबे बढ़िया पावर मिल जाएगी दुनिया के ऊपर राज करोगे तुम तो वही कन्फ्यूजन था फॉस्टस सफर्स फ्रॉम मेंटल टेंशन वेन ही फेल्स टू डिसाइड इफ हिज डिसीजन ऑफ प्रैक्टिसाइजिंग मैजिक वॉज राइट और रॉन्ग फॉस्टस इस बात को लेकर कन्फ्यूज था कि बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि वो जो मैजिक सीखने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या वो डिसीजन गलत है या सही ऑन द वन हैंड एक साइड तो फॉस्टस क्लेम्स डेट ही इज डिप्राइब्ड ऑफ हैवनली ब्लेसिंग्स एक साइड तो फॉस्टस कहता है कि वो हैवनली ब्लेसिंग्स को क्या कर देगा डिप्राइब कर देगा छोड़ देगा भगवान कभी नहीं माफ़ करेंगे ऑन अदर और दूसरे साइड में ही अकाउंट्स फॉर रेयर प्लेजर अटेंड थ्रू मैजिक दूसरे साइड में वो जो कहता है अबे मैजिक से पूरी हमें वो मिल जाएगा जादू मिल जाएगा हर चीज़ पावर मिल जाएगी चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का टारगेट हम लोग का पूरा होने वाला है वेरी सॉर्ट को कंप्लीट चलो लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ राइटिंग इन द फेरी क्वीन फेरी क्वीन को स्पेंसर ने लिखा तो फेरी क्वीन में जो ऑब्जेक्ट ऑफ राइटिंग है वो क्या है मतलब एक तरह से राइटिंग का ऑब्जेक्ट्स क्या है टारगेट क्या एम क्या इसको कह है? सकते हैं किस को बेस मानकर इन इनको इस चीज़ को लिखा गया चलिए देखते हैं इन हीच लेटर टू रिले रिले स्पेंसर हिमसेल्फ हैज गिवन द पर्पज ऑफ राइटिंग देखिए एक रेले थे द जनरल एंड ही राइट ऑफ हिज डार्क टू फैशन जेंटल मैन और नॉबेल पर्सन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन सीन्स दिस वाज टू बी मेड प्लॉजिबल एंड प्लेइंग

क्रिटिसाइज किया गया है आगे है यहाँ पर द फेरी क्वीन इन डेड फेरी क्वीन मींस फेरी क्वीन का मतलब है मोस्ट एक्सीलेंट एंड ग्लोरियस पर्सन ऑफ ओवर सोबरीन द क्वीन ऑफ हर किंगडम इन फेरी लैंड मतलब फेरी लैंड के किंगडम में एक जो है फेरी क्वीन का मतलब ये होता है कि एक्सीलेंट और ग्लोरियस पर्सन person की पर्सनालिटी को दिखाना सो फेरी क्वीन स्टैंड फॉर एल्जाबेद फेरी क्वीन कहीं ना कहीं एलजाबेद को रिप्रेजेंट करती कुल मिलाकर बकवास है मतलब ठीक <laughs> है इसका थोड़ा सा खुद समझ लीजिएगा मुझे कुछ नहीं आता है इसका अच्छे से एक्सप्लेन चूंकि ये लैंग्वेज क्लियर कट कुछ कहना नहीं चाह रहा घुमा फिरा रहा है क्या मतलब है तो कुल मिलाकर फेरी क्वीन में ये बताया गया है कि फेरी क्वीन में फेरी क्वीन रिप्रेजेंट करती हैं स्टैंड फेरी क्वीन का मतलब होता है एलिजाबेथ और यहाँ पर किंग अर्थर किंग अर्थर के थ्रू दिखाया गया ये सेंट्रल हीरो है किंग अर्थर इसमें भी काफ़ी अच्छी कहानी बताएंगे तो वहाँ से कवर हो जाएगा ये ऑब्जेक्ट ऑफ राइटिंग क्या है क्लियर तो आज के लिए इतना ही और एक चीज़ और है देखो ये आपका हो गया कंप्लीट मतलब ये आपका पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया आज चौदह तारीख है और कल पंद्रह तारीख है एक तरह से वेरी शॉर्ट आंसर के थ्रू मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस करवा दिया अब इसके बाद हम लोग फिर बैठेंगे लेकर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फिर पूरा वो कवर हो जाएगा फिर लॉन्ग में ऐसे एक बार आपको सुनना है एक बार सुन लोगे बहुत कवर हो जाएगा ठीक तो समझ में आए हो तो भैया नोटंकी वाला कर देना अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह वगैरह जो भी है <laughs>